आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम देखेंगे कंजुगेटिव डिवीजन बाय डिफरेंट नंबर। ठीक है, तो डिवीजन डिफरेंट नंबर से होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कंजुगेटिव नंबर होगा जनरली वो। ठीक है, उससे डिवीजन होगा कोई नंबर। ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखेंगे, ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि गिवन है कि इफ अ नंबर, ठीक है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13, ठीक है, देन इट मस्ट बी नेसेसरली, ठीक है, तो क्या डिविजिबल, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर कोई एक नंबर है, ठीक है, अपन क्या बोलते हैं कि कोई एक नंबर है वो 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है। अब यहाँ पे अपन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोटिस करने वाला वो क्या है, 11 एंड 13। ठीक है, 11 एंड 13, ये बोथ क्या है यहाँ पे, 11 एंड 13 आर बोथ प्राइम। ठीक है, ये दोनों नंबर क्या है यहाँ पे, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 11 और 13 ये दोनों क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर है। और ये बोल रहा है कि कोई एक नंबर n है, ठीक है, कोई एक नंबर n है जो 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, 11 और 13 वो दोनों से डिविजिबल है। तो अगर ये कोई नंबर n है जो कि 11 से डिविजिबल है, लेट से मैं n को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, n को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 11 से अगर डिविजिबल है तो इसको लिख सकते हैं 11 टाइम्स में सम कोएफिशिएंट q1, और n को ही अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, n को लिख सकते हैं 13 टाइम्स में सम कोएफिशिएंट ऑफ p। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर, इस केस में क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तब कंडीशन क्या होगी, क्यू की वैल्यू एटलीस्ट 1 तो होगी होगी और पी की वैल्यू एटलीस्ट 1 होगी होगी, और 11 और 13 यहाँ पे क्या है, 11 और 13 यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो जो एन होगा वो डिविजिबल होगा किस से, 11 क्रॉस 13 से। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखेंगे, यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये एन जो होगा वो 11 क्रॉस 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेसिकली सम फॉर्म में, ये आ जाएगा यहाँ पे 11 × 13 और सम कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, के। यहाँ पे भी ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर 11 और 13 अगर यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, तो अगर कोई भी नंबर 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, वो नंबर जो होगा उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लेता हूँ इसी टाइप्स के जो कंजुगेटिव नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि द व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 इज डिवाइडेड बाय 8 इट ऑलवेज लीव्स द रिमाइंडर। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा कि कोई भी ऑड नंबर, ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखेंगे ऑड नंबर का स्क्वायर 1 से ग्रेटर, ठीक है, ऑड नंबर का स्क्वायर 1 से ग्रेटर अगर उसे 8 से डिवाइड करेंगे तो इन एनी सिचुएशन वो रिमाइंडर जो होगा वो सेम रिमाइंडर लीव करेगा, तो वो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ, अगर ऑड नंबर है, ठीक है, तो ऑड नंबर अगर अपन लेंगे तो उसको किस फॉर्म में लेंगे, 2x प्लस में के 1 के फॉर्म में लेंगे, 2x यहाँ पे इवन होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये ऑड नंबर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एंड अपन लेंगे यहाँ पे 2x प्लस 1 के फॉर्म में। अब ऑड नंबर जो इन्होंने लिया है कि ऑड वैल्यू लिया है यहाँ पे 1 से ग्रेटर, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर अपन 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू एटलीस्ट क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा। 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर अगर मैं कोई भी ऑड नंबर को लिखूंगा तो एन को लिख सकते हैं अपन 2x प्लस 1 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, 0 नहीं ले सकते, 0 पे एन की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इन्होंने बोला कि इसका स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर तो सिंपली मैं एन स्क्वायर कर दूंगा और एन स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा यहाँ पे 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 4x, प्लस 2ab 4x आ जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर तो प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। एन स्क्वायर को इन्होंने बोला था कि 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम में इसके सेटिस्फाई करवाएंगे तो 4x यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कॉमन टर्म्स के यहाँ पे 4x कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा ये x प्लस 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, और ये क्या आ गया यहाँ पे एन स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखूँ तो एक्स की वैल्यू क्या था यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर अपन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोलेंगे तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4x की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इस वाले इनइक्वालिटी से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इनिशियली एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 था तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4।
और x की वैल्यू अगर 1 है ठीक है, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू अगर 1 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 ऐड करेंगे इनइक्वालिटी में, तो x प्लस 1 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, x प्लस 1 जो है वो क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 4x * में x प्लस 1, एक जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो बेसिकली ये 8 का मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है, ये बेसिकली 8 का मल्टीपल आ जाएगा, तो ये बेसिकली क्या यहाँ पे 8 से इसको अपन बेसिकली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 टाइम्स में सम कांस्टेंट के प्लस में 1, ठीक है, तो इस क्वांटिटी को अपन लिख सकते हैं 8 टाइम्स में सम कांस्टेंट के प्लस में 1, और की वैल्यू क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में आ गया, और इन्होंने एन स्क्वायर के लिए बोला था, और एन जो था वो क्या था ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, तो इस केस में अगर अपन 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा इन एनी केस, ठीक है, तो इन एनी केस यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी IAM में पूछा जा रखा है, ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, वैसे भी अपन n की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऑड नंबर अपन ले सकते हैं, यहाँ पर अगर अपन देखें ठीक है 1 से ग्रेटर ऑड नंबर अगर अपन लेंगे तो लेट्स से मैं n की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ ऑड नंबर के केस में, एग्जांपल भी देख सकते हैं 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, इस तरीके से अपने पास इनफाइनाइट ऑड नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एन स्क्वायर की वैल्यू देखूँ तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 49, और ये जहाँ पे 81, और अगर अपन देखेंगे तो इन एनी सिचुएशन इस नंबर को अगर अपन 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एन स्क्वायर को अगर अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो आंसर यहाँ पे क्या था ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट था, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।